चंदौसी में मंडी समिति रेलवे डबल फाटक बहजो चौराहे पर यातायात पुलिस के लिए नया भवन तैयार कराया गया। नगर के उद्योगपति कपिल गुप्ता के सहयोग से इस भवन का सौंदर्यकरण कराया गया। एसपी यमुना प्रसाद ने चंदौसी पहुंचकर यातायात पुलिस के लिए बनवाए गए भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार, यातायात प्रभारी अनुज मलिक, कोतवाली प्रभारी धर्मपाल सिंह, समाज सेवी कपिल गुप्ता भी मौजूद रहे। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी तक की विशेष पेशकश, एक शाम देश के नाम, सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन। इस प्रतियोगिता में 5 साल से 20 साल तक के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। देशभक्ति पर आधारित अपनी डांस और सिंगिंग की 2 मिनट की वीडियो भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8445829007। आप अपनी वीडियो हमें शुक्रवार 14 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे तक भेज सकते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अभी तक की तरफ से गिफ्ट हैंपर देकर सम्मानित किया जाएगा। हमारे ट्रैफिक पर्सन बैठ सकें, रह सकें और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कर सकें। अगर यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उसी को देखने के लिए बूथ बनाया गया जिसमें जन सहयोग लिया गया है और पुलिस के खर्चे से और जनता के पैसे से उसका निर्माण किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका यहाँ के ओएलएफ के जो कपिल गुप्ता जी हैं उन्होंने निभाई। उन्होंने जन सहयोग किया और तमाम सभ्रांत एवं व्यक्तियों ने मिलकर के इसका निर्माण कार्य कराया है। जनता के लिए इसका आज लोकार्पण किया गया है, जिससे जनता के लिए सहयोग मिल सके और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए।